कॉल होत होती तर शिपना कॉलेज मध्ये आलो होतो नागपूरला. घरी आहे ना तू? किती साईज आहे? साडेपाचशे भेटतात. डिस्काउंट का तू? जय भवानी, जय जय भवानी, जय भोले. कोई मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा. और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. तो ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जंगल में. जो हमने अभी जो स्पेक्टेकल कोबरा, जिसे हम नाग भी कहते हैं, जिसे हमने अभी रेस्क्यू किया था, तो अभी हम उसे छोड़ने आ चुके हैं. दोस्तों देखिए, यही वो है, यही वो नाग है जिसे हमने अभी एक रेस्क्यू किया था. दोस्तों अभी हम इसे छोड़ेंगे, साथ ही साथ आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देंगे. दोस्तों तो देखिए, दोस्तों ये स्पेक्टेकल कोबरा है. इसे इसका साइंटिफिकल नाम जो है वो नाजा नाजा है. दोस्तों इसे नाग, डोमिया, गवाले, बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना भी जाता है. और दोस्तों अभी ये जो इसने जो हुड निकाला है, यानी जो फन फैला कर जो इसने अभी इसका जो आकार जो बड़ा किया है, वो इसलिए किया है ताकि अपने शत्रु को ये बता सके कि उसके जो साइज है वो कम नहीं है और उससे दूर रहिए. ऐसा ये सांप है दोस्तों, देखिए. तो ये सांप जो है वो आमतौर पर 3 से 3.5 फीट तक के पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये सांप की जो लंबाई होती है वो 6, 6.5, 7 फीट तक की होती है. और दोस्तों ये जो सांप है, इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जिसके वजह से दोस्तों हमारे जो ब्रेन सेल्स है, हमारा जो ब्रेन जो है उस पर अटैक होता है इसके जहर की वजह से. अगर आपको ये सांप कभी काट ले तो दोस्तों नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाना ज़रूरी है, किसी झाड़ फूँक के चक्कर में आप ना पड़िए. दोस्तों अभी हम इसे पानी पिला के देखेंगे. दोस्तों अभी हम इस सांप को इसके अनुकूलित वातावरण में यहाँ पे छोड़ देंगे. ठीक है दोस्तों, तो भाई छोड़ते हैं. तो दोस्तों अभी हमने इसे छोड़ दिया.
तो दोस्तों अभी हमने सांप को छोड़ दिया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं मेरे किसी अगली वीडियो में, तभी तक के लिए बाय, अलविदा।